नमस्ते आदा से सीकार मेरा नाम आदित्य है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ़ लाइफ टैरो आज का जो पिकअप पाइल है उसमें हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप में हैं उनकी सच्ची फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं आपका सिचुएशन कुछ भी हो सकता है मैरिड अनमैरिड थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस वट एवर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द ऑनेस्ट ट्रुथ जो बिल्कुल सच्चाई है कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं एंड ऑफकोर्स आपके रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या होगा तो टू पाइल्स हैं हमारे पास पाइल नंबर वन ये रोज क्वाड्स एंड पाइल नंबर टू इज़ दिस ग्रीन जेड हार्ट तो uh, आपको चाहिए तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें एंड यू कैन चूज फाइल नंबर वन एंड पाइल नंबर टू ऑलराइट सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर वन लेट्स सी आपकी रीडिंग में क्या है आके एंजल माइकल माय आर एंजल्स एंड द यूनिवर्स होली स्पिरिट एंड द डिवाइन प्लीज के अस एक्सैक्ट मैसेजेस विच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर फाइल नंबर वन जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी जो है आपके लिए फीलिंग्स uh, क्या है आई वॉन्ट टू फर्स्ट फाइंड आउट आपके रिलेशनशिप में राइट right नाव क्या हो रहा है पाइल नंबर वन वॉट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाव जिन लोगों ने पायल नंबर वन चूज़ किया है अगेन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा इफ दिस डज़ नॉट रेजोनेट विद यू प्लीज़ सिलेक्ट पाइल नंबर टू if you need any advice you have any questions you can always come to me for a personal reading so please contact me details are in the description box all right pile number one what is happening in your relationship right now okay oh, yeah. <laughs> ट फ्लेम जर्नी ये उन लोगों के साथ एसोनेट होगा जो ये एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो इफ़ यू बिलीव इन दिस बहुत आप लोगों का पास लाइफ कनेक्शन हो सकता है यू ऑल हैव शेयर मेनी पास लाइफ्स टुगेदर ट्विन फ्लेम की जर्नी है यहाँ पे uh, अगर आप ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में अगर आप बिलीव करते हैं जिस की मी एडजस्ट अगर आप ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट की जो यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विन फ्लेम इफ़ यू बिलीव इन दिस दैन यू नो इट इज की जो एक रो होती है उसके दो टुकड़े हो जाते हैं एंड आई पर्सनली फ़ील कि कोई इंसान इनकम्प्लीट नहीं होता है लेकिन uh, जितना मैं टैरों पढ़ती हूँ और जो मैं uh, देखती हूँ मुझे रियलाइज़ होता है कि डेफ़िनेटली uh, एक इंसान आपके लाइफ में ऐसा होता है जो uh, who is your person जो आपको लगता है कि उनके सामने uh, आप जैसे हैं वैसे ही ये इंसान आपको एक्सेप्ट करते हैं एक ऐसा अट्रैक्शन होता है एक ऐसा बॉन्ड होता है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा हु आर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड देन यू हैव थर्ड पार्टी विच इज़ अगेन अ वेरी कॉमन फैक्टर ऑफ बींग इन अ ट्विन फ्लेम जब आप एक ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं तो मोर देन एवर देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन Uh, जिसके कारण आप लोग जो हैं यूनियन में नहीं आ पाते एंड देन देर इज़ क्लिंगिंग देर इज़ ऑब्सेशन देर इज़ होल्डिंग ऑन एंड देर इज़ वॉचिंग तो आई थिंक कि आप लोग ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो डेफिनेटली uh, एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है एक दूसरे से बहुत चाह है लेकिन थर्ड पार्टी के कारण जो है इनसेरिटीज़ हैं थर्ड पार्टी के कारण थोड़ा जेलसी है थर्ड पार्टी के कारण uh, यू नो यू आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन एंड थोड़ी सी यू नो यहाँ पे एनर्जी है कि यू आर अफ्रेड टू लूज योर पार्टनर एंड सो देर इज़ यू नो एक दूसरे को आप कॉन्स्टेंटली वॉच करते हैं यू आर क्लिंगिंग टू ईच अदर सो ओवरऑल एनर्जी जो है मुझे यही दिख रही है आप दोनों के लिए लेट्स फाइंड आउट आपके पार्टनर जो हैं उनकी ये रिलेशनशिप के लिए एनर्जी क्या है और आपकी ये रिलेशनशिप के लिए एनर्जी क्या है प्रोफाइल नंबर वन लेट मी टेक अनादर टेक फॉर यूल आपकी ये रिलेशनशिप के बारे में एनर्जी क्या है ओके okay. uh, आपकी पार्टनर की राइट नाउ रिलेशनशिप के बारे में एनर्जी यही है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप टूट चुका है uh, या तो आपकी तरफ से ये रिलेशनशिप आपने ख़त्म किया है या आपने उनको कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं या उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके कारण जो आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप से वो आपको नहीं दे सक रहे हैं इसीलिए जो है उनका रिलेश उनका जो है दिल टूटा है दिस इज़ थ्री ऑफ इज़ ऑल अबाउट ब्रोकन हार्ट मायूस लग रहे हैं उनको उनको दिख रहा है कि यू uh, नो you know, uh, आप शायद उनको छोड़ के जा रहे हैं लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं आई हैव टू क्वीन्स हेयर क्वीन ऑफ सॉट्स हैं एंड वी हैव द क्वीन ऑफ बॉन्ड्स हैं यहाँ पे तो एक शायद आपकी एनर्जी हो सकती है और एक जो है uh, जो थर्ड पार्टी है उनकी मदर हो सकती हैं वाइफ हो सकती हैं बॉस हो सकती हैं जो भी है आ, उनकी मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है और आई थिंक आपके जो पार्टनर हैं वो उन राइट right नाउ ये रिलेशनशिप के बारे में उनकी यही एनर्जी है कि वन या तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल डिसीज़न लिया है और डिसाइड किया है कि वो थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे एंड इसीलिए आप जो है ये रिलेशनशिप छोड़ के जा रहे हैं और वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे या आ, उनके लाइफ में दो लेडीज़ हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि किसको चूज़ करना है और उसके कारण उनको जो है बहुत तकलीफ़ हो रही है आपकी एनर्जी जो है ये रिलेशनशिप के बारे में आ,

एक रीबर्थ ले या आप चाहते हैं कि आप जो है मूव ऑन करें यू आर लुकिंग एट अदर अपॉर्चुनिटीज यू आर लुकिंग एट अदर न्यू होराइज़न्स यू आर लुकिंग टू मूव ऑन एंड सी कि अगर आप ये रिलेशनशिप से मूव ऑन होते हैं तो आपके लाइफ में कोई और आ सकता है या यू you नो know, वेदर या रिलेशनशिप में कुछ चेंज आएगा या नहीं आई वॉन्ट टू फाइंड आउट आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए क्या फील करते हैं वट डज़ योर पार्टनर फील फॉर यू ओके सी वट डज योर पार्टनर फील फॉर यू आपके पार्टनर जो है टॉरस हो सकते हैं जमनाए हो सकते हैं या पाइसीस हो सकते हैं यहाँ पे uh, आपके पार्टनर जो हैं uh, हाइडिन का कार्ड है यहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव हो सकते हैं बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं uh, अगर शादीशुदा हैं तो अपने मैरिज को लेके बहुत सीरियस हैं बहुत कमिटेड हैं अपने मैरिज के लिए uh, वेदर देर इज़ लव और नो लव इन देर मैरिज फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी ये मैरिज को नहीं तोड़ पा रहे हैं दिस इज़ द थर्ड पार्टी का कार्ड है, uh, है यहाँ पे एंड देन यहाँ पे जो है लवर्स का कार्ड इज़ ऑलवेज़ अबाउट अ चॉइस तो ये इंसान जो है बिकॉज ऑफ हिज मैरिज और बिकॉज ऑफ हर मैरिज आपको नहीं चूज़ कर पाएंगे फीलिंग्स के बारे में अगर मैं सोचती हूँ तो ये इंसान जो है डेफिनेटली अगर इनकी मन की चलती या इनमें हिम्मत होती uh, अपने सॉरी फ़ोन आ गया था uh, अगर ये इंसान अपने मन की कर सकते थे तो डेफिनेटली आपके साथ एक शादी में बनना चाहते हैं आपके साथ लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं एंड लवर्स uh, का, का कार्ड अगेन फॉर मी इज़ द ट्विन फ्लेम सोलमेट का कार्ड um, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं एक बार आपके साथ यूनियन में आए तो फिर ज़िंदगी अच्छी हो खराब हो कुछ भी हो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे ऐसी उनकी एनर्जी है तो व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू पाइल नंबर वन अगर आप डाउट करते हैं कि शायद ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है ये इंसान डेफिनेटली आपसे काफ़ी प्यार करते हैं कहीं ना कहीं ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं शायद इनको ना कहीं लगता है कि आपके लाइफ में और चॉइसेस हैं आपके पीछे और बहुत लोग पड़े हैं और कहीं कही ना कहीं डरते हैं कि शायद आप किसी और को चूज़ ना करें इनसिक्योर हैं और डरते हैं डर नहीं बट वरी करते हैं कि शायद आप इनको छोड़ के किसी और के पास नहीं

लॉट ऑफ एंगजाइटी लॉट ऑफ फियर लॉट ऑफ डिप्रेशन एज फार एज कमिंग इन यूनियन विद यू आपकी ये इंसान के लिए राइट नाउ फीलिंग्स क्या है वट आर यू फीलिंग फॉर योर पर्सन राइट नाउ वीक है आप चाहते हैं कि uh, ये इंसान आपको लेके आपसे आप शादी करे और शादी का प्रपोज़ल आपको दे तो आई थिंक कम्युनिकेशन अगर जो लास्ट कम्युनिकेशन शायद आप लोगों की हुई है एक दूसरे के साथ यही होगी कि यू वांट दिस पर्सन आप चाहते हैं कि ये इंसान आपसे शादी करे एंड आपको जो है काम ऑफ वाटर्स की तरफ ले जाए आम, सेक्शुअल केमिस्ट्री आप लोगों में बहुत स्ट्रॉन्ग uh, होती होगी यू ऑल मस्ट बी इन्जॉइंग अ लॉट ऑफ पैशनेट टाइम टुगेदर लेकिन राइट नाउ आपकी फीलिंग्स यही हैं ये इंसान के लिए कि आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ हो आपको एक ट्रेडिशनल कमिटमेंट दे और जो भी झमेले हैं वो झमेलों से दूर निकल के जो है दिस पर्सन टेक्स यू टूवर्ड्स कामा वाटर्स ठीक है आपके जो इंसान हैं उनके आपकी तरफ इरादे क्या हैं वॉट आर हिज़ इंटेंशनस टू यू आपके रिलेशनशिप को लेके ये इंसान के इरादे क्या हैं Uh, ये इंसान के इरादे रैटना बहुत कंफ्यूजिंग हैं ये इंसान को जो है कहीं ना कहीं बहुत ट्रैप्ड uh, फील होता है अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो ये इंसान जो है ही इज़ फीलिंग ट्रैप्ड कहीं ना कहीं इनको लगता है कि बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं uh, आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट गोइंग तो टू बी पॉसिबल डेविल की एनर्जी हैं आपके पार्टनर कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं 呃。Uh डेल का कार्ड जब आता है तो इट ऑल्सो एम्प्लाइज सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक पीपल मुझे हमेशा पूछते हैं ब्लैक मैजिक है या नहीं दिस इज़ समथिंग दैट आई पर्सनली डोंट बिलीव इन बट जब ये कार्ड आता है तो फिर मुझे बताना है सैटर्न का यहाँ पे यू नो शनि की यहाँ पे स्ट्रॉग वाइब्स आती हैं डेवल का कार्ड इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव कार्ड टेम्टेसन का कार्ड है बट दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन दिस इज़ द ऑल्सो द कार्ड ऑफ यू नो being caught in a repetitive cycle तो ये इंसान जो हैं उनके इरादे यही हैं कि चाहते हैं कि आपकी तरफ आए लेकिन नहीं आएंगे आ, एनर्जी मुझे एंड इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय द हाई प्रीस्टस हेयर तो मुझे यही लगता है कि ये इंसान जो है थोड़े से विक्टिम मेंटालिटी के मोड में है खुद को जो है बहुत तो यू you नो know, मैं बेचारा हूँ आई एम अ विक्टिम मैं कैसे ये करूँगा अगर ये थर्ड पार्टी में है और अगर डिवोर्स लेना है तो ये दुनिया के सबसे पहले इंसान नहीं है जो डिवोर्स लेंगे लेकिन ये इंसान ऐसे हैं जो ओ माई गॉड आई यू नो हाउ कैन आई डू दिस मैं ऐसा नहीं कर सकता थर्ड पार्टी में रहना चाहते हैं ऑब्वियसली फीलिंग्स है प्यार आपसे करते हैं लेकिन इरादे यही हैं कि आपकी तरफ आए तो कैसे आए बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू एस ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू स्टेबिलिटी ये इंसान जो है आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको फाउंडेशन देना चाहते हैं आपको सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन ये इंसान इज़ राइट नाउ एडिक्टेड टू विक्ट मैंटेलिटी ये इंसान पूरी तरह इस एनर्जी में जखड़े हुए हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है आ, यू नो आई एम कंट्रोल्ड बाई एवरीबडी एल्स बट मी तो जब ये एनर्जी में ये इंसान हैं और ये बिलीव करते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाते तो ये कुछ नहीं करेंगे तो चाहते तो हैं कि आपको स्टेबिलिटी दे लेकिन आ, फिर यू नो खुद को बोलते हैं लेकिन मैं क्या करूँ मैं 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 यू नो आई एम इनकेपेबल या मैं नहीं दे पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगा तो आ, दिस इज द एनर्जी दैट दिस पर्सन इज़ इन आपके ये इंसान के लिए इरादे क्या हैं फाइल नंबर वन ओके योर इंटेंशंस आर वेरी वेरी क्लियर आप जो हैं इमोशनली uh, जो हैं अब थोड़े से आई uh, थिंक आपने जो है uh, ये इंसान के लिए बहुत सैक्रीफाइस किए हैं आपके लिए काफ़ी ऑप्शन आए होंगे आपको काफ़ी चॉइसेस होंगे लेकिन आपने जो है ये इंसान के लिए अपना सब कुछ इन्होंने you know, छावर कर दिया होगा यू मस्ट बी इन अ रिलेशनशिप फॉर अबाउट फोर ईयर्स और अबाउट टू ईयर्स नाउ लेकिन यू हैव कम टू अ स्टेज ऑफ अ बर्न आउट आप आप थक चुके हैं आप ये रिलेशनशिप में कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं आपको लगता है कि आपने जो करना था आपने कर दिया लेकिन ये इंसान जो है अपने जो एटीट्यूड है ये वाला जो एटीट्यूड है उनका कि मैं फंसा हुआ हूँ मैं कुछ नहीं कर पाता ये एटीट्यूड जो है उससे आप तंग आ चुके हैं या मे बी आप अब ये बिलीव करना स्टार्ट कर दिया है कि शायद ये इंसान हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे आपको जो है राइटफुली uh, जो आपका है नहीं दे पाएंगे इसीलिए जो है यू आर नाउ एट अ क्रॉस रोड आपने जो है इमोशंस की तरफ अपनी पीठ घुमा दी है एंड यू आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप एनी मोर यू हैव डिसाइडेड आप थक चुके हो और आप यू हैव डिसाइडेड कि मुझे अब ये रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट uh, नहीं करना है इमोशंस ऑफ कोर्स हैं लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि यू आर जस्ट गोइंग टू लेट गो एंड यू आर नॉट गोइंग टू

ये इंसान जो है इनके अगले एक महीने में आपकी तरफ एक्शंस क्या होंगे आपके ये इंसान की तरफ एक महीने विद इन द नेक्स्ट वन मंथ एक्शंस क्या होंगे और राइट right. ये इंसान जो है आ, ये इंसान आपकी तरफ आ, आने के लिए कतराएंगे अपने झमेलों में फंसे रहेंगे आपको अपोलोजी देना चाहते हैं आपको सॉरी कहना चाहते हैं आपके साथ फिर से एक नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जो इमेज आपकी है ये इंसान के बारे में कि यू you नो know, बहुत अट्रैक्टिव हैं बिजनेस मैन हो सकते हैं गो गेटर हैं चाहते हैं कि वो आ, आप उनके लिए फिर से ऐसी फीलिंग लाएँ और यू you नो know, यू पीपल कम बैक इन टू अ रिलेशनशिप लेकिन ये इंसान नहीं आएंगे अगेन uh, चाहते हैं कि यू you नो know, आप आए और आप इनसे बात करें आप फर्स्ट स्टेप लें खुद होके ये नहीं आएंगे uh, थोड़ा सा इनमें ईगो भी है uh, दिखता है कि थोड़ा सा ईगो है डिफेंसिव uh, है यहाँ पे uh, आपको देखेंगे आपको वॉच करेंगे लेकिन बहुत इमेचोर एनर्जी हैं ये विदिन द नेक्स्ट वन मंथ आपकी तरफ नहीं आएंगे आपकी एनर्जी भी ऐसी है कि आप इनके बारे में सोचते रहेंगे यू विल मिस दिस पर्सन यू विल थिंक अबाउट दिस पर्सन लेकिन जो हैं आप इनकी तरफ आ, फर्स्ट स्टेप लेने से मुझे लगता है कि ये जो प्यार का नया ऑफ़र है आई थिंक आप ये उनको नहीं देंगे आप हिम्मत दिखाएंगे और ये जो डेवल एनर्जी है जो आपकी बॉन्ड की एनर्जी है या जो ये अट्रैक्शन की एनर्जी है या ये जो आपको जो ये जुनून है ये इंसान के बारे में उसके ऊपर जो हैं आप पूरी तरह कंट्रोल करोगे एंड आई डोंट थिंक यू विल मेक दैट फर्स्ट लव ऑफ ऑफ़र आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप सोच रहे हैं आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आए लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये इंसान जो है आपकी तरफ आएंगे लेट मी सी ब्लॉक्स क्या है व्हाट इज स्टॉपिंग दिस पर्सन फ्रॉम कमिंग टू यू वाट आर द ब्लॉक्स फॉर पाइल नंबर वन वाई इज़ दिस पर्सन नॉट कमिंग टू यू ये इंसान जो है यहाँ पे मुझे सिर्फ पैसा पैसा और पैसा दिख रहा है ये इंसान जो है या तो अपने काम में बहुत मशरूफ़ रहेंगे या आ, इनका एसोसिएशन पैसे से इतना है या पैसे से लगाव इतना है कि आ, या तो पैसा कमाने के लिए कहीं और दूर जाएंगे या पैसे एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन राइट नाउ व्हाट आई एम सीइंग इज मनी प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ पैसा है कि पैसे के कारण जो है ये इंसान आपकी तरफ नहीं आएंगे तबीयत इनकी ख़राब हो सकती है बैड हेल्थ हो सकता है और आ... अगेन सोसाइटी के लिए आ, अपनी खुद की ऑनर के लिए इज़्ज़त के लिए ये इंसान आपकी तरफ नहीं आएंगे तो पाइंट नंबर वन मुझे सिर्फ आपको यही सवाल पूछना है अगर आपका दिल टूटा है इफ़ यू आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन और आप ये इंसान से इतना प्यार करते हैं ऑब्वियसली ये इंसान भी आपसे इतना प्यार करता है तो अगर उनको लगता है कि ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप इज़ रॉन्ग या ये थर्ड being इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप गलत है यू uh, नो you know, समाज के लिए हाई ऑनर के लिए सोसाइटी में सिर झुकना नहीं चाहिए इसके लिए अगर ये आपका दिल तोड़ते हैं और आपकी तरफ आते नहीं हैं तो ये इंसान गलत हैं इनके सिर पर किसी ने बंदूक रख के बोला नहीं था कि ये रिलेशनशिप में आए करेक्ट यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है दैट यू नो आप इनको manifest कर रहे हैं आप चाहते हैं कि इंसान आपके पास आए आपसे शादी करे ऐसा मुझे जो है क्लियरली नहीं दिख रहा है बिकॉज ये इंसान जो है सोसाइटी uh, के लिए और पैसों के लिए बिल्कुल स्टक uh, हैं अगर मैं फीलिंग्स देखूँ तो फीलिंग्स आर आर बहुत ज्यादा है मैंने दिस पर्सन डेफिनेटली लव्स यू फीलिंग्स हैं लेकिन दैर uh, इज ये फीलिंग्स का फायदा नहीं है बिकॉज uh, आपकी तरफ एटलीस्ट इन द नेक्स्ट वन मंथ आने से कतराएंगे आप को वॉच करेंगे आपको देखेंगे यू नो दिस पर्सन विल स्पाई ऑन यू बट दिस पर्सन विल नॉट कम टूवर्ड्स यू चाहेंगे कि आप ही जो हैं उनकी तरफ आए ईगो uh, काफ़ी है उनका और चाहेंगे कि आप ही उनकी तरफ फिर से जाएं रोमांस एंजल्स से जो हैं आप लोगों के लिए ये रिलेशनशिप के बारे में क्या मैसेज है फिर से सोलमेट का कार्ड आया है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आया है एंड रिलीज योर एक्स आया है तो uh, जैसे कार्ड आए मुझे वैसे पढ़ना है सोलमेट uh, की एनर्जी है ट्विन फ्लेम की एनर्जी है आई मीन इट इज़ अ डबल कंफर्मेशन दैट इट इज़ अ सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हियर आई थिंक अगर आप ये इंसान के साथ रहना चाहते हैं मे बी टॉक टू दिस पर्सन अगेन फिर से इनके साथ बात करें बट आई डोंट थिंक कि वो एक अगले कुछ हफ्तों के लिए ऐसा पॉसिबल होगा कुछ दिनों के लिए बिकॉज यू आर इन एन एनर्जी ऑफ बर्न आउट आप जो हैं अब थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं ये रिलेशनशिप में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और किसी को जो है डेफिनेटली उनके एक्स को रिलीज़ करना है अगर वो एक सोलमेट जो ये इंसान हैं अगर ये अपन, आप के रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करते हैं तो उनको जो है उनके एक्स को रिलीज़ करना है एक्स यानी जो थर्ड पार्टी है तो जब तक वो ये थर्ड पार्टी को रिलीज़ नहीं करेंगे आई डोंट थिंक यू वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप एंड आई डोंट थिंक इट इज़ प्रॉबली राइट फॉर यू टू इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप ऑल राइट लेट्स वेरी क्विकली सी ये इंसान के आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? आई फील कंप्लीटली डिफीटेड दिस एंड हेज़ टेकन एवरी थिंग अवे फ्राम मी तो यह इंसान जो है डेफिनेटली आई थिंक आपका रिलेशनशिप थ्री ऑफ शोट्स भी आ, आया था एंड टेन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी हैं तो आई थिंक आप लोगों में कुछ बात हुई है सो आई थिंक जो रोमांस एंजल्स है कार्ड से आई थिंक आप दोनों ने मे भी एक दूसरे से बात की है और ये इंसान ने शायद आपको बता दिया है कि आपको कुछ नहीं दे पाएंगे एंड इसीलिए उनका मैसेज आपके लिए यही है कि वो, वो खुद कम्प्लीटली टूट चुके हैं और ये रिलेशनशिप अगर उनको लगता है कि अब खत्म हो चुका है तो आपको कहना चाहते हैं कि ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि सब कुछ जो है उनका खत्म हो गया है सन का कार्ड है यहाँ पे यू आर माई सन शाइन माई ओनली सन शाइन यू मेक मी हैप्पी स्काईज आर ग्रे इट्स ओनली यू दैट आई वॉन्ट अगेन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स इन द डेक विच इज द सन कार्ड सो फाइल नंबर वन दिस पर्सन रियली रियली लव्स यू इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में होता है प्यार करते हैं आपसे लेकिन uh, आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे या ये रिलेशनशिप को जो है एटलीस्ट एज ऑफ नाउ कुछ कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे ऑलराइट लास्ट कार्ड योर पर्सन मैसेज फॉर योर समथिंग सी इज़ मिसिंग इन माई लाइफ आई फील बोर्ड एंड स्टक तो आई थिंक ये इंसान जो है उनको पता है कि उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनके लाइफ में उनको बोर्ड लगता है उनको स्टक फील हो रहा है लेकिन वो है, जो है इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पायल नंबर वन वन मैसेज वन लव मैसेज फॉर पायल नंबर वन

लेकिन uh, किसी के लिए वेट नहीं करना है मैं हमेशा कहती हूँ नंबर वन डोंट पुट योर लाइफ ऑन होल्ड फॉर एनीबडी और दूसरा अगर कोई आपकी तरफ आता है तो ईगो में आके उनको ठुकराए ना तो जस्ट बी सपोर्टिव बी सपोर्टिव टू योर सेल्फ एंड बी सपोर्टिव टू दिस पर्सन सो पाइल वन दिस इज़ ऑल आई हैव यू पॉजिटिव रीडिंग बिकॉज दिस पर्सन रियली लवज़ यू नॉट सो पॉजिटिव बिकॉज राइट नाउ देर आर सम ब्लॉक्स एंड उनके कारण जो है ये इंसान कंप्लीटली आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं इफ़ यू नीड एनी क्लैरिफिकेशन यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट मी और एनी बडी एल्स फॉर रीडिंग

आपके लिए इरादे क्या हैं और अगले एक महीने में जो है आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ चेक पाइल नंबर वन अगर आप एडवाइस चाहते हैं टैरो से अपनी पर्सनल रीडिंग से यू नो you know, अपने रिलेशनशिप के बारे में और जानना चाहते हैं यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग मैसा टैरो सीखना चाहते हैं तो द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आके एंजल माइकल मैं गार्डन एंजल्स इन द यूनिवर्स होली स्पिरिट इन द डिवाइन प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर टू लेट्स फाइंड आउट राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है वॉट इज हैपनिंग इन पाइल नंबर टू रिलेशनशिप राइट नाउ ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आपका जो है व्हाट्सएप फेसबुक इंटरनेट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप होगा या एक बहुत नया प्यार है जहाँ पे आप लोग जो हैं अभी अभी एक दूसरे के साथ मिले हैं एक दूसरे के साथ आप लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ है यू नो इन्फेचुएशन है पपी लव है आ, आई थिंक दैट देर इज सेपरेशन और डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ यू ऑल जिसके कारण आपको वेट करना पड़ रहा है एक दूसरे से एक्चुअली मिलने के लिए लेकिन इन द मीन वाइल जो है एक दूसरे से आप काफ़ी प्यार करते हैं एक दूसरे को हमेशा यू नो फेसबुक इंटरनेट व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर जो है एक दूसरे को आप हमेशा देख रहे हैं वॉच कर रहे हैं एंड होपिंग uh, कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जो है आप जल्दी से जल्दी मिले ऑल राइट वेरी क्विकली देखते हैं कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ये रिलेशनशिप के बारे में एनर्जी क्या है उनकी तरफ से ये वॉट डू दे फील अबाउट दिस रिलेशनशिप ओके वॉट डू यू फील अबाउट दिस रिलेशनशिप आप दोनों में जो है एज कैप काफ़ी हो सकता है एरिस हो सकते हैं यहाँ पे अर्थ साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा आई थिंक ये इंसान जो है जिन जिनके बारे में आप पूछें शायद आपको उनकी सारी सच्चाई नहीं पता है विडो हो सकते हैं आ, या yeah, ऐसा भी मुझे लगता है कि शायद आ ये उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा जिन्होंने बहुत जल्द आप एक दूसरे से मिले और विदाउट नोइंग टू मच अबाउट ईच अदर यू ऑल गॉट इन टू अ रिलेशनशिप यू नो जंप द गान किया है आपने आप जो है एकदम से रिलेशनशिप में पड़ गए हैं और अब आपको जो है ये रिलेशनशिप इतना ठीक नहीं लग रहा है स्पेशली जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं uh, Uh, उनको ये रिलेशनशिप में इतना जो है राइट नाउ पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आ रहे हैं या तो उनकी फ़ैमिली ये रिलेशनशिप को अग्री नहीं कर रही है या uh... कुछ ना कुछ उनके लाइफ में ऐसा हुआ है जिनके कारण वो ये रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं उन लोगों के साथ भी रेजोनेट हो सकता है जो ऑलरेडी किसी मैरिड इंसान के साथ हैं आपकी ये रिलेशनशिप में एनर्जी क्या है आप चाहते हैं अगेन इट कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और आप चाहते हैं कि आप और आप जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आप लोगों का यूनियन हो एज गैप जो है आप में काफ़ी हो सकता है काफ़ी एक इंसान जो है और मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप जो है थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकते हैं या ये रिलेशनशिप में या थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकते हैं ये रिलेशनशिप में या देर आर एल्डर्स इन दिस रिलेशनशिप बड़े लोग इन्वॉल्व हैं ये रिलेशनशिप में जो ये रिलेशनशिप को आगे नहीं जाने दे रहे हैं दोनों बाजू से जो है आप लोगों को प्रेशर है कि आप ये रिलेशनशिप को तोड़ें या ये रिलेशनशिप को छोड़ें बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है तो दिस इज डेफिनेटली इधर विल रेजोनेट विथ पीपल जिन्होंने बहुत जल्दी एक रिलेशनशिप में आ गए हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हैं एंड यू आल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग इच अदर या आपके रिलेशनशिप के बारे में जो हैं घर के जो बड़े हैं वो अग्री नहीं कर रहे हैं साइंस मुझे यहाँ पे एरीज बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है और वॉटर साइन भी है कैंसर्स को पोपाइसी आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं ओके okay. आप आपके पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं आपके पार्टनर जो है जिन, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने जो है आ, आपको बता दिया है कि ये कोई और रिलेशनशिप में है या ये रिलेशनशिप या आप जो हैं आपके पास टू चॉइसेस हैं एंड यू आर नॉट श्योर कि आपको क्या करना है कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जी में ये फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर ने जो है आपका दिल तोड़ा है आपसे कुछ चीज़ों के बारे में झूठ बोला है लेकिन आप जो है कुछ भी हो जाए ये रिलेशनशिप को जो है छोड़ने नहीं वाले हैं या आपके पेरेंट्स या सोसाइटी चाहती है कि आप लोग ये रिलेशनशिप में नहीं आए बट इवन देन यू आर इन दिस एनर्जी दैट यू नो दिल टूटा है लेकिन आप ये रिलेशनशिप गिव अप नहीं करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं अगेन यू नो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है बहुत फ़ास्ट स्टार्ट हुआ होगा कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हुई होगी uh, एक दूसरे के साथ जब आप बात करते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि टाइम कहाँ गया है एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो बहुत सारा इन्जॉय करते हैं हाँ आप ये इंसान जो है आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है प्यार का ऑफ़र देना चाहता है कमिटमेंट देना चाहता है लेकिन टाइम लेंगे सोच समझ के जो है डिसीजन लेंगे ये रिलेशनशिप के बारे में तो अगर आपने इनको कमिटमेंट के लिए पूछा है या यू नो फैमिलीज प्रेशराइज़ कर रही हैं कि आप लोग शादी करें तो ये मुझे लगता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान इसके लिए फ़िलहाल रेडी नहीं है कम्युनिकेशन uh, जो है इनकी तरफ से बहुत धीरे आती है स्लो आती है और uh, आपके साथ बात करने में बहुत इन्जॉय करते हैं लेकिन जो है इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम बहुत स्लो मूविंग एनर्जी हैं टाइम लेके जो हैं आपसे बात करेंगे लेकिन फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं अगर मैं फीलिंग्स के लिए ये कार्ड्स पढ़ती हूँ तो कम्युनिकेट uh, करेंगे आपके साथ बात करना इनको अच्छा लगता है एंड डेफिनेटली जो है स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं uh, कमा रहे हैं आपके लिए घर के लिए स्टेबिलिटी के लिए तो राइट right नाउ इनका फोकस जो है पैसों पे भी हो सकता है या अपने जॉब पे भी हो सकता है लेकिन मेंटल क्लैरिटी आ रही है उनको एस ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है यहाँ पे सो देयर इज़ एन मेंटल क्लैरिटी ऑन अ न्यू बिगनिंग ऑन हाउ दिस ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है uh, मल्टीपल स्टोरी लाइंस हो सकती हैं आप देखें आप लोगों के साथ ये कैसे रेजोनेट होता है ये इंसान के जो हैं आपके लिए इरादे या है और यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपका दिल टूटा है ये इंसान ने या तो आपके प्रपोज़ल को मना कर दिया है या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे आप जो है थोड़ा सा अपसेट हुए हैं आपका दिल टूटा है लेकिन आप जो हैं योर विलिंग वेटिंग एंड वॉचिंग एंड योर विलिंग टू सी के रिलेशनशिप में आगे क्या करना है थोड़ी सी यहाँ पे मुझे डोमिनेटिंग और मैनिपुलेटिव एनर्जी भी लग रही है कि एक इंसान जो है अपने ही मन का यहाँ पे रिलेशनशिप में आ, करवा रहे हैं ये इंसान की जो है आपके लिए इरादे क्या हैं ओके ये इंसान जो है शादीशुदा हो सकते हैं और चाहते हैं कि या तो डिवोर्स हो जाए आ, और फिर आपकी तरफ आए या सिंग सिंगल है राइट ना और चाहते हैं कि आपके साथ एक लीगल कमिटमेंट में बंधे एक शादी में बंधे और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं लीब्रा हो सकते हैं या कैंसर हो सकते हैं तो इनके इरादे आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग है मे भी ये उन लोगों के लिए भी रेजोनेट होगा जिनको शायद अरेंज मैरिज का प्रपोजल आया है आपके इंटेंशंस भी यही हैं आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है आपको प्रपोज़ करे दोनों तरफ नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है तो आप लोग जो है सिंगल हुड से जो है एक रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते हैं आप चाहते हैं कि इंसान आपको डेट करे आपको घूमने फिरने लेके जाए आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है थ्रू दिस रिलेशनशिप जो है आपको एक अच्छा टाइम दिखें आप दुनिया देखें आप घूमें फिरें और ये इंसान के साथ इंजॉय करें तो आपके इंटेंशन यही हैं एंड मे बी आप कि लाइफ में आपके फ़ादर हैं या फादर इन लॉ हैं जो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो जो हैं आपको मे बी बहुत कंट्रोल करते हैं और उसके कारण आप एक दूसरे को इंजॉय नहीं कर पाते हैं तो आपके जो इंसान हैं उनके इरादे यही हैं कि वो आपको जो है यू नो वांट्स टू गिव यू जस्टिस जो आपके साथ गलत हुआ है वो गलती को सुधारने के लिए वो एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं और तैयार हैं और आपकी तरफ जो है बदलाव उनका जो बिहेवियर है आपकी तरफ ज़रूर चेंज होगा उनका जो एटीट्यूड है आपके लिए आपकी तरफ डेफिनेटली चेंज होगा और आपकी एनर्जी यही है कि आप वेट कर रहे हैं कि कब ये इंसान आए और यू नो आपको जो है एक अच्छा टाइम दिखाए आपके साथ टाइम स्पेंड करे ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे आपके इंसान जो है आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे ये इंसान अगर अब तक ये इंसान ने आपको यू नो इग्नोर किया है या आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाए हैं या कहीं और बिजी थे या कुछ फ़ैमिली सिचुएशन ऐसी थी कि ये आपको आपके लिए कुछ कर नहीं पाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं और एरीज भी यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है ये इंसान जो है रिलेशनशिप पर डेफिनेटली काम करना चाहते हैं बहुत डिसप्लिन मैनर में और बहुत फोकस के साथ जो है आप ये रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं डेथ का, का कार्ड है यहाँ पे प्लस जस्टिस का भी कार्ड था तो आई थिंक सम बहुत बड़े चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आने वाले हैं और उसके कारण जो है आ, आ, ये इंसान विल पुट इन एफर्ट्स डेडिकेटेड एफर्ट डालेंगे ये रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए और उसके लिए दिस पर्सन इज रेडी आ रहे हैं आपकी तरफ बहुत आ, 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 सोच समझ के आपके पास आ रहे हैं आ, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं थोड़े से मुझे डिप्रेस लग रहे हैं अल्कोहलिक हो सकते हैं इनके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो जिन्होंने इनको बहुत अपसेट किया है और स्टॉप किया है कि ये इंसान जो है आपकी तरफ आए और आप जो है ये इंसान के लिए पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि ये इंसान जो है आपको टाइम दे और आपकी तरफ आए आप जो हैं इनकी तरफ जाने से कतरा रहे हैं इनके लिए वेट कर रहे हैं चाहते हैं कि ये इंसान आपके पास आए आई थिंक आप लोगों का जो है यू नो फॉर मोस्ट ऑफ इट कूड ऑल्सो बी दैट डेट वर इन लव फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके कारण आपका सेपरेशन हुआ है एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम बैक टू यू बिकॉज अगर मैं रिलेशनशिप के लिए एनर्जीज़ देखूं तो मुझे यही लगता है कि दिस पर्सन वांट्स टेन ऑफ़ कप्स की एनर्जी आपके साथ फैमिली चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जब फाइव ऑफ़ कप्स की एनर्जी आती है तो यू नो डिप्रेशन ड्रग्स एल्कोहल रिलेशनशिप को सोच के जो है बहुत मायूस हो गए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि यू uh, नो you know, कि रिलेशनशिप में ऐसा क्यों हुआ है लेकिन आई थिंक ये इंसान जो है आपकी तरफ uh, ज़रूर आने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वन मंथ में जो है आप लोगों के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा वॉट इज गोइ टू बी दी आउटकम फॉर यू पीपल इन द नेक्स्ट वन मंथ ओके वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे एक साइकिल एंड होके एक नया साइकिल स्टार्ट होगा ये इंसान जो है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे स्पिरिचुअलिटी आई थिंक इन लोगों ने जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ इन लोगों का काफ़ी हुआ है आई एम सॉरी कुक यू नो प्रेशर कुकर की विसिल का आवाज़ आ रहा है एम वेरी सॉरी अबाउट दैट हाई प्रिस्टिस की एनर्जी हैं यहाँ पे पाइसिस हो सकते हैं ये इंसान अगले विद इन द नेक्स्ट वन मंथ दिस पर्सन विल कम टू यू स्पिरिचुअली ग्रो हुए हैं स्ट्रॉन्ग uh, किया है इन्होंने खुद को अपने शेडो सेल्फ पे इन्होंने काम किया है एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम टू वर्ड्स यू एंड मेक एन ऑफर फॉर यू Uh, जो ये एनर्जी आप चाहते हैं कि इस ढंग से कि ऑफ़ वॉन्ट्स की एनर्जी uh, लेके ये इंसान आपके साथ आए जहाँ पे देर इज़ लॉट ऑफ अट्रैक्शन लॉट ऑफ फिजिकल प्लेजर लॉट ऑफ एक्शन इन द सेंस कि आप लोग इकट्ठा ट्रैवल करेंगे घूमेंगे फिरेंगे वो ऑफ़ वॉन्ट्स की एनर्जी जो है ये इंसान आपके लिए लेके आएगा Uh, जो भी राइट right नाउ इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेंगे स्पिरिचुअली जो इनको लर्न करना है या जो लाइफ लेसन इनको लर्न करने हैं लर्न करके डेफिनेटली आएंगे नेक्स्ट वन मंथ में जो है एक्शन ऑलरेडी वॉट इज द आउटकम आउटकम क्या होगा डेस्टनी है आई थिंक एक साइकिल ख़त्म हो के एक दूसरी साइकिल स्टार्ट होगा क्वीन ऑफ सॉर्ट्स एंड किंग ऑफ़ वार्डस की एनर्जी है तो आई थिंक आप थोड़ा सा ये रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल रहेंगे थोड़ा सा सोच समझ के ये रिलेशनशिप में आगे जाएंगे और ये इंसान जो है नाइट uh, की एनर्जी से जो है किंग की एनर्जी में जाएंगे आई डू सी अ वेरी पॉजिटिव आउटकम फॉर यू विलो फॉर्चून का जब कार्ड uh, आता है तो इट ऑलवेज मीन्स दैट वन साइकिल एंड्स एंड अनदर साइकिल बिगिंस व्हिच इज़ सच अ पॉजिटिव कार्ड टोरस लियो एकवेरिस या सैजिटे स्कॉर्पियो हो सकते हैं दिस इज़ द कार्ड ऑफ लक दिस इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंस और जो चीज़ें आपके लाइफ में नहीं थी रिलेशनशिप को लेकर वो चीज़ें जो हैं फिर से आएंगी वेरी क्विकली लेट मी सी कि ब्लॉक्स क्या हैं इफ एट ऑल वॉट आर द ब्लॉक्स ये रिलेशनशिप में जो है ब्लॉक्स क्या है ओके okay. मैरिज है कोर्ट हाउस है एंड कंसर्न है तो शायद ये इंसान जो है आ, या तो इनके फैमिली में किसी की शादी हो रही है उसमें बिज़ी हैं या ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा हैं शादी को लेके कंसर्न है चाहते हैं कि डिवोर्स uh, हो और फिर आपकी तरफ आए बिकॉज वी डू हैव द जस्टिस कार्ड हियर अगर हम देखें कि इनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ तो वी हैड द जस्टिस कार्ड एंड देन वी हैड द चैरिट कार्ड तो आई थिंक ये इंसान जो है आपको Uh, अपना जो रिलेशनशिप है अगेन वॉट एवर इज़ स्टॉपिंग देम यहाँ पे मैरिज है लेकिन जो भी कमिटमेंट है जो इनको बांध के रख रही है आपकी तरफ आने से आई थिंक वो कमिटमेंट तोड़ के जो है वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे राइट नाउ काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं काफ़ी टेंसड हैं यू नो मेंटली बहुत वरिड uh, हैं लेकिन आई थिंक बहुत जल्दी ये इंसान जो हैं आपकी तरफ ज़रूर आएंगे मैसेजेस जो हैं अगेन दिस दिज आर माय क्रिएशंस अगर ये इंसान आपको कुछ मैसेजेस देना चाहता है एज़ फार एज़ हिज फीलिंग्स गो फॉर यू क्या मैसेजेस होंगे प्रोफाइल नंबर टू मल्टीपल स्टोरी लाइन्स हैं यहाँ पे तो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज़ यू हैव टू सी वॉट स्टोरी सूट्स यू बट ओवरऑल मुझे यही लगता है कि इनकी सिचुएशन ऐसी है जो इनको इतनी बांध के रखे हुए है कि ये इंसान जो है आ, बहुत मायूस हो गए हैं और उसके कारण शायद आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं ऑल राइट इनके कोई मैसेजेस आपके लिए लव फॉर मीज ऑल अबाउट नर्चरिंग एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये इंसान जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके यू नो कंसर्न है शायद यू नो इनफ स्टेबिलिटी नहीं है फाइनेंशियली में भी यू नो कोविड के कारण जॉब चली गई है इनके पास शायद जॉब नहीं होगा उसके कारण वरिड हैं बट पैसों को लेके या मे बी यू नो डिवोर्स चल रहा है और डिवोर्स में पैसे देने हैं लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और शायद उसके कारण ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं ए सो वॉन्ट्स की एनर्जी है आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू आई एम कमिंग टू मेक एन ऑफ़र इन लव टू यू विच यू विल नॉट बी एबल टू रिफ्यूज़ तो आई थिंक ये इंसान जो है प्लानिंग कर रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पे चैरिट का कार्ड है दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम टू यू एंड वी ऑल्सो हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप पर काम हो एंड देन वी हैव द जस्टिस कार्ड है और विच इज़ अबाउट यू नो सेपरेशन और डिवोर्स तो ये इंसान आपको यही कहना चाहते हैं कि आप से बहुत अट्रैक्टिड हैं और एक ऑफ़र आपको देंगे बहुत जल्द जो आप रिफ्यूज़ नहीं कर पाएंगे यू आर माई गिफ्ट ऑफ लव माई विश माई इंस्परेशन एंड हैपीनेस आई विल ऑलवेज वॉन्ट यू तो अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इंसान मे भी आपको नहीं वॉन्ट uh, कर रहे हैं या आपसे इन्होने एनर्जीज ले ली है बातचीत नहीं है तो इट इज़ आई थिंक बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स दैट दे हर गोइंग थ्रू विच सीम्स टू बी अलॉट यू नो टू डू विद फैमिली और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इंसान आपको यही कहना चाहते हैं कि यू आर एवरी थिंग टू देम एंड दे विल ऑलवेज वॉन्ट यू एंड देन आई एम फीलिंग हैविली बर्डन एंड इट्स वेइंग मी डाउन तो कुछ ना कुछ बर्डन है uh, इनके लाइफ में इट इज स्पेसिफिक टू एवरी पर्सन हर इंसान के लिए डिफरेंट होगा लेकिन कुछ बोझ हैं इनकी लाइफ में जिनके कारण उनको बहुत ज़्यादा यू नो बर्डन लग रहा है uh, दब चुके हैं ये बोझ से और इसीलिए आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं एंड दिस हार्ट ब्रेक इज़ पेनफुल एंड लेट द लेटिंग डाउन एंड ब्रेकिंग ऑफ ट्रस्ट हैज़ लेट टू इमोशनल टर्मोइल तो आई थिंक यहाँ पे जो है थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी uh, है तो आई थिंक ये इंसान ने आपका दिल कहीं ना कहीं तोड़ा होगा कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हर्ट किया है और ये जानते हैं कि पास में इनके एक्शंस के कारण आपका दिल टूटा है एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू से सॉरी टू यू सो आई थिंक पायल नंबर टू नॉट अ वेरी बैड रीडिंग ये इंसान को आप समय दें इनके लिए प्रे करें बहुत कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं इनके लाइफ में ऑफकोर्स uh, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है लेकिन डेफिनेटली आएंगे आपके बारे में सोचते हैं इनफेचुएटेड हैं आपके लिए वॉच uh, करते हैं आपको हमेशा लेकिन आई थिंक किसी ना किसी बोझ के नीचे दबे हुए हैं विल डेफिनेटली कम बैक टू यू ओके ज ऑफ लव से मैसेज है आपको लव हु यू आर यू आर डिवाइन डिलाइटफुल एंड डिजर्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग्स लाइफ हैज़ टू ऑफर तो आई थिंक डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि फोकस ऑन योर सेल्फ किसी और के प्यार uh, मिलने से या ना मिलने से uh, आपकी लाइफ नहीं खुश होती है यू यू हैव टू लव योर सो दिस इज द कार्ड विच इज टेलिंग यू टू इंडल्ज इन सम सेल्फ लव

बी ग्रेटफुल जो भी लाइफ आपको ऑफर करती है उसका शुक्राना करें और जब प्यार को आपके लाइफ में आना है तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग में आएगा विच बाय द कार्ड्स दैट आई सी विल डेफिनेटली कम यस देर आर सम ब्लॉक्स दिख रहा है मुझे कि कुछ ब्लॉक्स हैं आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान राइट नाउ स्ट्रगल कर रहा है डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में बट आई थिंक सोना देन लेटर दिस पर्सन विल कम इन टू यूर लाइफ एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Uh, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.